वेलकम टू सैनर वेट यूट्यूब चैनल, मैं हूं डीएस पटेल। नमस्कार दोस्तों, कैम छो। वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि गूगल पे एडवांस सर्च कैसे करते हैं और गूगल पे सर्च करने की ट्रिक के बारे में बताऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी और आपको बहुत ही ये वीडियो काम आएगी। लाइक यूट्यूब गूगल पे कैसे सर्च करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि हाउ टू सर्च ट्रांसपेरेंट इमेज और कुछ सर्च नॉन कॉपीराइट इमेज, जिसपे कोई कॉपीराइट नहीं हो, वैसे इमेज डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना है उसके बारे में आपको बताऊंगा। और इसमें बहुत ट्रिक्स हैं गूगल पे सर्च करने के लिए, तो उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो ये वीडियो के साथ बने रहिए आप, ताकि आपको पता चले कि गूगल पे एडवांस सर्च और उसके ट्रिक्स के बारे में। चलो शुरू करते हैं। हम देखते हैं ट्रांसपेरेंट इमेज कैसे सर्च करते हैं। ओके, तो आपको पहले चले जाना है गूगल में। इससे आपको मैं बताऊंगा कि केवल आपको ट्रांसपेरेंट इमेज ही सर्च करनी है, जो बैकग्राउंड होता है वो नहीं चाहिए आपको, और जो लॉगो होता है उसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं चाहिए, और ट्रांसपेरेंट इमेज आपको सर्च करनी है। तो वो कैसे करते हैं, पहले देखते हैं कैसे सर्च करते हैं। मैं गूगल का लॉगो आपको सर्च करके बताता हूँ। से आपको इमेज में चले जाना है और यहाँ पे आपको टूल्स का एक ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे कलर में जाके ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर लो। तो यहाँ पे जितने भी इमेज आएगी वो ट्रांसपेरेंट इमेज आएगी। तो आप देख पाओगे ये देखिए ये जो पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो नहीं दिखता है, वो ट्रांसपेरेंट रहता है। तो आप इस लोगो को कहीं भी आप सेट कर सकते हो। मैं डाउनलोड कर लिया, आपको मैं एक तो ये एक मेरा जो बैकग्राउंड है उस पर रखूँगा, तो उसके पीछे का जो होता है वो नहीं दिखता। ये देखिए मेरा बैकग्राउंड दिख रहा है और मेरा जो लॉगो है वही सिर्फ दिख रहा है। तो एक ट्रांसपेरेंट इमेज आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको मैं बताऊँगा कि किस साइज के बहुत सारे आपको लॉगो चाहिए। ये जो मेरा लॉगो है उसके ही अलग अलग साइज के मुझे लॉगो चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना है। तो आपको सिर्फ उस लॉगो पे राइट क्लिक करना है, फिर सर्च गूगल फॉर इमेज। आप राइट क्लिक करोगे और ये इस पर क्लिक करोगे तो ये एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑल साइज, इस पर क्लिक कर लो। आपको जो लॉगो है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज में आपको दिखेंगे, तो आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हो जितने जो भी लॉगो चाहिए आपको वो। ये एक बहुत ही अच्छा है, आपको अलग अलग साइज के कोई भी लॉगो चाहिए तो वो भी आप यहां से सर्च कर सकते हो। अगर आपको कोई वेबसाइट है, सपोज फेसबुक है, उसके रिलेटेड दूसरी कोई वेबसाइट है उसके बारे में आपको सर्च करना है, तो उसके लिए भी आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। पहले आपको क्या करना है, गूगल में चले जाना है और यहाँ पे टाइप करना है रिलेटेड फेसबुक। जितने भी फेसबुक के रिलेटेड जो अलग अलग जो वेबसाइट्स होगी वो आ जाएगी। सॉरी ये नहीं है अभी, रिलेटेड फेसबुक डॉट कॉम। ओके, ये देखिए लिंकड, ट्विटर्स, पिंटरेस्ट, ये सभी फ्लिकर, ये फेसबुक के रिलेटेड वेबसाइट है। अगर आपको ये भी पहचानना हो कि आपके पास रेसिपी की वेबसाइट है, तो वो रेसिपी की वेबसाइट के रिलेटेड भी आप ढूंढ सकते हो। और आपको कोई फाइल टाइप, मीन्स आपको PDF डाउनलोड करनी हो अपने प्रोजेक्ट के लिए, या अपने कोई हिस्ट्री जाननी हो उसकी PDF डाउनलोड करनी हो, तो आप एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उसके उस हिसाब से आप सर्च कीजिए तो आपको बहुत ही इजीली वो PDF मिल जाएगी।
यहाँ पे टाइप करते हैं। सपोज मुझे एक साइंस का प्रोजेक्ट चाहिए, यहाँ पे ये लिख लीजिए साइंस प्रोजेक्ट फाइल टाइप कॉलन PDF। यहाँ पे आप जैसे ही ये सर्च करोगे तो आपको सब यहाँ पे PDF ही दिखाई देगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है ये सर्च करने का। आपको जब भी PDF ही चाहिए तो आप वो सर्च कर, मैं आपको एक दिखा देता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। ये देखिए पूरी की पूरी PDF आएगी, आपको प्री डिफाइंड PDF मिल जाएगी यहाँ से। अगर आपको PDF की जगह पे PPT चाहिए तो यहाँ पे उसका एक्सटेंशन जो आता है फाइल का वो लिख लीजिए, तो आपको यहाँ पे सब PPT ही दिखाई देगी। ये देखिए यहाँ पे साइंस फेयर प्रोजेक्ट टेम्पलेट, उसकी PPT सब मिल जाएगी आपको। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है आपको। ये देखिए ये डाउनलोड हो रही है, आपको मैं बता देता हूँ जैसे ही ये डाउनलोड हो जाती है। डाउनलोड हो जाने दो, जस्ट वेट। ये देखिए ये पूरी की पूरी PPT आ गई। तो आप इजीली अपने प्रोजेक्ट के लिए यहाँ से सर्च कर सकते हो, ओके। और आपको एक और भी बहुत ही अच्छा, अगर आप आपके नियर बाय में अगर हॉस्पिटल कहाँ पे है, पेट्रोल पंप कहाँ पे है वो ढूंढना चाहते हो, तो वो भी आप एक कीवर्ड आता है इसका हॉस्पिटल नियर बाय, ओके। जैसे ही आप ये सर्च करोगे हॉस्पिटल नियर बाय, आपके नज़दीक के जितने भी हॉस्पिटल होंगे वो आपको यहाँ पे सर्च में आ जाएंगे। अगर आपके बाइक में या आपके कार में पेट्रोल पंप ख़त्म हो गया तो वो ढूंढना है आपको पेट्रोल पंप कहाँ नज़दीक है आपसे, तो आप यहाँ पे पेट्रोल ऐसे सर्च करोगे तो आपके नियर में जो भी पेट्रोल पंप होंगे वो आपको दिखाई देंगे। ये देखो भारत पेट्रोलियम, ये सब लिस्ट आ गए। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। और दूसरा एक मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको नॉन कॉपीराइट इमेज डाउनलोड करनी हो, अगर आपको गूगल का जो आपके गूगल का जो लोगो है वो यूज़ करना है अपनी जो यूट्यूब के चैनल के बैनर में या कुछ कहीं भी, तो आप कैसे कर सकते हो? उसके लिए आपको यहाँ पे एक यूज़र राइट का एक ऑप्शन है, वहाँ पे ये देखिए नॉन लेबल कमर्शियल रीयूज फॉर मॉडिफिकेशन। ओके, ये आप यूज़ कर सकते हो सारे लोगो के। और आप यहाँ पे सेटिंग में जाके एडवांस सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन है यूजेज राइट, यहाँ पे जाके आप फ्री यूज ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लो और एडवांस सर्च कीजिए। ये सब आप अपने बैनर में या कहीं भी यूज़ कर सकोगे, ओके। ये सब सारे ट्रिक्स है, तो आप प्लीज़ ट्राई कीजिए। ये मैं सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड्स है वो टाइप कर दूंगा, ओके, वो शेयर कर दूंगा आपके साथ, ओके। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ कमेंट करना। और आप अगर आपके पास कोई नया सजेशन है तो प्लीज़ वो भी कमेंट करना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ये जो लोगो दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं डालूंगा तो आपको पहले वो मिल जाएगी। और ये एकदम फ्री है, उसके लिए आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ये लोगो पे क्लिक कर लो, वहां से आप सब्सक्राइब कर पाओगे। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे साथ बने रहो, और आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।